वेलकम ऑन एकेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि कौन सा बेस्ट माइक जो है अवेलेबल है मार्केट में, जिससे आप एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे तो आप आसानी से बना सकते हैं। और ये माइक काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी पॉपुलर माइक है और बहुत ही कम कॉस्ट में जो है काफ़ी बेनिफिट आपको देने वाला है ये माइक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, ये माइक जो है मैंने वो फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है, तो इसकी आज हम देखेंगे इसमें क्या क्या खासियत है और आपको कैसे इसमें इसका यूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस माइक का जो प्राइस है, आपको प्राइस बता देता हूँ। ये माइक लगभग मुझे पड़ा है 819 रुपीज का। ठीक है, 819 रुपीज का माइक पड़ा है फ्लिपकार्ट से। आप ऑफर में इसको ले सकते हैं, ये और भी सस्ता आपको मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं इस माइक की क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले ये माइक का पैकेट है। ठीक है, इस पैकेट में क्या होगा कि सबसे पहले इसका नाम मैं बताया था, नाम जो है वो बोया माइक है। ठीक है, बोया का BY-M1 माइक है। ये काफ़ी बेहतरीन माइक है और जितने भी यूट्यूबर हैं जो टीचर हैं, या तो आपको बोर्ड पे पढ़ाना है या फिर आप ऐसे लैपटॉप में या मोबाइल में कनेक्ट करके पढ़ाना चाहते हो, तो ये माइक काफ़ी यूजफुल माइक है। आप इसी का लगभग सारे यूट्यूबर इसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, कम दाम में काफ़ी बेहतरीन माइक है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर आपको मिल माइक की हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें एक गाइड आपको मिल जाएगा। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि बोया माइक का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं इसमें कि आपको मेन फीचर्स इसके दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ आइटम उसके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ में यूज कर सकते हैं, और सबकी सेटिंग यहाँ पर दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। और टिप्स एंड नोट्स, तो एक तरीके का आपको एक मैनुअल मिल जाएगा इस तरह से। आप इसमें सारा चीज़ देख सकते हैं इसके बारे में दिया हुआ है, कैसे सेटिंग करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ इसमें कि जो माइक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है इस बॉक्स के अंदर जो है माइक डाल के दिया हुआ था। ये काफ़ी बढ़िया बॉक्स है बोया का, इसके अंदर जो है माइक रखा हुआ था। उसके बाद हम बात करें इसमें, तो आपको ये माइक है, ये माइक है, आप इसको कॉलर माइक के रूप में यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें कि क्लिप दिया हुआ है, जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं अपने कॉलर में लगा करके और टीचर लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं इसमें अगला, तो इसमें बैटरी भी लगती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हैं इस माइक में। इसको बैटरी लगाने के लिए आपको इसको ऐसे इसको ओपन करना होगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बैटरी भी लगा सकते हैं। ये बैटरी है, और बैटरी का उपयोग तभी करना है जब आप इसका जो है DSLR में यूज करते हैं, तो बैटरी का उपयोग किया जाता है। जबकि अगर आप मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में यूज करते हैं तो फिर आपको बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप कैमरा का यूज करते हैं कैमरा का, तो वहाँ पर बैटरी को ऑन करना होगा। अगर स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप्स में यूज करते हैं तो फिर ऑफ या ऑफ ही रखें, बैटरी का कोई उपयोग नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं या फिर लैपटॉप में यूज करते हैं तो उसमें बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप DSLR कैमरा का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बैटरी की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी कि तार की लंबाई काफ़ी बड़ी है इसकी। ठीक है, लगभग इतनी बड़ी तार है, लगभग काफ़ी लंबी है, पूरे जो है कमरा में आपका फैल सकता है ये तार जो है। कितनी भी दूर अगर आपका बोर्ड है तो आप इसको ले जाकर उसे पढ़ा सकते हैं। चलिए इसके फीचर्स कुछ देखते हैं, इसमें दिया हुआ गाइडलाइंस में कि क्या क्या यूज हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि नो नीड टू इंस्टॉल बैटरी व्हेन यूज विथ स्मार्टफोन। ठीक है, और लैपटॉप के साथ यूज कर रहे हैं तो भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है बैटरी लगाने की। बाकी अगर आप यूजिंग द माइक्रोफोन विथ अदर डिवाइसेज तो आपको बैटरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बात करें तो सबसे बढ़िया इस माइक के क्या फीचर्स है कि इसमें जो है आपका नॉइज कैंसिलेशन अपने आप हो जाता है। ठीक है, नॉइज कैंसिलेशन की अगर बात करें तो बाहरी जो सनसनाहट की आवाज़ें ये सब जो आती है वो सब नॉइज जो है कैंसिल हो जाता है इसमें। ठीक है, तो एक बढ़िया कम दाम में काफ़ी अच्छा जो है ये माइक है, और जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं लगभग सारे के सारे यूट्यूबर्स जो हैं इसी माइक का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका वेट जो 2.5 ग्राम है, पावर मॉडल की बात करें तो 18 ग्राम का है। ठीक है, उसका डायमेंशन सबसे बेहतर है कि इसका केबल जो है, ये तार की जो लंबाई आप देख रहे हैं, तार की लंबाई, तो ये जो तार की लंबाई है ये 6 मीटर का है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आप अगर आप जो है बोर्ड, अगर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड लगा कर आप पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये माइक उपयोग किया जाता है कॉलर माइक रूप में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माइक है, और ये काफ़ी लोग जो है जितने भी यूट्यूब लगभग यूट्यूबर हैं शुरुआती में जितने भी एजुकेशनल वीडियोज बनाते हैं सारे के सारे इसी माइक का उपयोग करते हैं। तो आप ये माइक का उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन माइक होगा आपके लिए। और तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप भी
अपना एजुकेशनल चैनल चालू करना चाहते हैं तो ये माइक आप ले सकते हैं, ये माइक काफ़ी बेहतरीन माइक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए केस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।